हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है मानसिंह राठौर और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी आप कोई डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो मोस्टली लोग उसमें FNO एक्टिवेट नहीं करते हैं। पहले वो इक्विटी को ही एक्टिवेट करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका भी FNO एक्टिवेट नहीं है, आपने अकाउंट ओपन करते समय FNO एक्टिवेट नहीं किया था और अब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर FNO में ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो आपको एक्टिवेट करना होगा। और एक्टिवेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर सबमिट करने होते हैं और एक प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू आप अपने अकाउंट में FNO एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है एंजल वन एप्लीकेशन का। तो अगर आपका भी एंजल वन एप्लीकेशन है और आप उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन वो अभी इनेबल नहीं है, मतलब कि वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप उस सेगमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, एंजल वन सबसे पहले आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कॉर्नर पर अपनी प्रोफाइल की साइड क्लिक करना है। जब आप कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो इधर आपका नाम और आपका आईडी आएगा। तो नीचे आपको अकाउंट पर क्लिक करना है, तो इधर आपको अकाउंट से रिलेटेड जानकारी दिखेगी, साथ ही नीचे दिखेगा एक्टिवेट सेगमेंट और यहाँ पर पेंसिल का निशान आ रहा है एडिट करने के लिए। उसके बाद आप वाइल यूजिंग ऐप पर क्लिक करेंगे ऊपर, ठीक है, इसमें से मतलब कि आपको परमिशन देना है, आप यहाँ पर अलाउ करेंगे। उसके बाद आप कौन से सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अभी सभी पर टिक लगा हुआ है तो इसमें से मैं करेंसी कमोडिटी को हटा देता हूँ। मैं सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर फ्यूचर और ऑप्शन को ही एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो मैंने उस पर टिक लगा रहने दिया है। उसके बाद प्रोसीड टू एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट हैं, आपको एज अ प्रूफ यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, तो मोस्टली लोग यूज करते हैं सैलरी स्लिप का या फिर 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट का। तो आप यहाँ पर जो भी चाहें उसको अपलोड कर सकती हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होगी, तो मैंने यहाँ पर सैलरी स्लिप को ही ले लिया और अभी मेरे मोबाइल में है तो मैं ले लेता हूँ। तो जहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट सेव है, जो सैलरी स्लिप या फिर स्टेटमेंट है, तो आप उसको ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई फ़ोटो ले लिया, ठीक है, सैलरी स्लिप का, और उसके बाद मैं प्रोसीड टू एक्टिवेट पर क्लिक करता हूँ। तो अभी थोड़ी सी ये यहाँ पर बफरिंग लेगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेने में टाइम लगता है। उसके बाद ये आगे रिडायरेक्ट होगा और एक OTP मांगेगा, तो जैसे कि अभी मुझसे ये OTP मांगने वाला ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये OTP डाल के ऑथोराइज पर क्लिक करना है, तो यह कुछ ही घंटे में, ठीक है, लगभग 48 घंटे का टाइम लगता है, तो उतने टाइम में आपका FNO एक्टिवेट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, सेम यही प्रोसेस है, इसको आप करिए और आपका FNO एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए।